हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर अनदर प्रीव्यू वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। वी हैव निखिल भाई विद अस टुडे एंड वी बोथ आर इन वाइट, सो उसके आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो रिफ्ट है वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि निखिल भाई मतलब दो दो तीन तीन मिनट तक मेरा फोन नहीं उठाते थे, फिर दो दो तीन तीन मिनट के बाद मुझे फोन करते थे। तो बहुत बहुत ज्यादा समय बाद बात कर रहा हूँ उनसे। हाउ यू डूइंग निखिल भाई? ये जो भी आपने सुना सब काल्पनिक है, जस्ट लाइक द थॉट के रिफ्ट है या कोई एरोगेंट है। सब बढ़िया है, थोड़ा ब्रेक बस लिया हुआ है कि भाई काफ़ी टैक्सी होगा था एक्चुअली जनवरी से आईपीएल तक, तो ब्रेक ज़रूरी होता है कुछ भी करें। बट यस, टेस्ट मैच है तो सोचा के साथ में कर लेते। टेस्ट मैच में कोई रैंडम अच्छा बैटर नंबर 7 पे बैटिंग नहीं करता, कोई हीली जैसी कैप्टन एक मेन बॉलर को बॉलिंग नहीं देती, ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअली टेस्ट मैच में हुआ था, बहुत उससे दुख हुआ मेरे को, पर अभी ठीक है, उसके बारे में नहीं बात करनी है। यस, एंड टेस्ट मैच इज सर स्पेशलिटी, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं कोई खास टेस्ट मैच तो करता नहीं हूँ, सो वील टेक सर एक्सपर्टीज टुडे एंड स्टार्ट करेंगे पहले विद द पिच कंडीशंस। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन ऑफर एट डोमिनिका एंड उसके बाद चलेंगे टुवर्ड्स द टीम जीएल ऑप्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। सो स्टार्टिंग विद द पिच कंडीशंस सर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑन दिस वेन्यू? तो यूजुअली तो आप वेस्ट इंडीज़ में एसोसिएट करते हो, ड्यूक्स है तो मूवमेंट होनी चाहिए, और पेसर्स हमेशा गेम में रहते हैं। लोएस्ट एवरेज है आई थिंक पेसर्स का इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन अ कंट्री, तो वेस्ट इंडीज़ इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस। कुछ 22-23 का एवरेज है, तो विकेट्स ले रहे पेसर्स। बट ये वेन्यू पे ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है। पिछला मैच आई थिंक 2017 क्या कभी हुआ था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का, तो ज़्यादा मैचेस यहाँ पे हुए नहीं है, तो पिच रिपोर्ट बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। बट फ्रॉम हिस्ट्री वॉट एवर वी हैव सीन, पेसर्स को थोड़ी मदद मिलती है। यूजुअली एक डिसेंट बैटिंग डेक होता है जो ऑल 5 डेज तक चलता है, स्पिन भी गेम में रहती है। तो आई थिंक इट शुड बी अ नॉर्मल क्लासिक टेस्ट मैच जहाँ पे 3 दिन तक अच्छी बैटिंग कंडीशन हो और 4-5 पे आपको थोड़ी स्पिन देखने मिले। पर कंडीशंस बारिश रही है तो वो आती है नहीं आने वाली क्या है वो एक बार हमें पता चले तो आपके पिक्स आप वैसे ले सकते हो। यस, फेयर इनफ। एंड इंटरेस्टिंगली, डोमिनिका में इंडिया लास्ट टाइम जब टेस्ट मैच खेली थी तब इन यहाँ पे जो दो है, एक हमारे कोच एंड एक विराट कोहली जी, वही दोनों थे इस टीम में। एंड अब दोनों रियूनाइट कर रहे हैं बट कुछ अलग तरीके से। एंड उसके अलावा तो जो बाकी की टीम थे उसमें से कोई आसपास भी नहीं है करेंटली। ईशांत शर्मा वॉज पार्ट ऑफ द टीम एट दैट टाइम, उस गेम में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज उस सीरीज में तब वो थे। एंड अब इस गेम में जब आप बात करो कमिंग बैक फ्रॉम देन टू नाउ, इट्स ओनली विराट हु स्टेज देयर। एंड वो जो टेस्ट मैच था तब तो वो एक ड्रॉन टेस्ट मैच ही था, सो नॉट मच टू रीड इन टू इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड कंडीशंस फॉर एंड हेल्प फॉर पेस अप फ्रंट, उसके बाद मे बी स्पिनर्स अगेन कम इन टू द गेम लाइक वी जनरली सी इन अ टेस्ट मैच पैटर्न। तो ये रहे आज के कंडीशंस। अब चलते हैं टीम की तरफ। वी विल स्टार्ट विद द कीपिंग सेक्शन एंड यहाँ पे हमने पिक किया है करंटली जोशुआ डिसिल्वा। ऑब्वियसली हमें पता नहीं कि किशन कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, ही इज लाइकली टू प्ले करेंटली। एंड उसके अलावा के एस भारत प्लेड द लास्ट वन बट नॉट श्योर इफ ही विल फाइंड अ स्पॉट। निखिल भाई, एट व्हाट नंबर वुड यू पिक किशन अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं? आई थिंक अगर के एस भरत के स्पॉट पे खेल रहे हैं तो प्रॉब्ली बिलो जडेजा इज वेयर आई थिंक किशन विल बैट। दैट विल ब्रिंग कॉनवेल इन द गेम, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मैचअप, पर हमें पता है इंडिया ऑफ स्पिन को खिलाती नहीं और ऑफ स्पिन से आउट होती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे शार्प। होंगे जो आगे पता चलेंगे हमें कंडीशंस अगर वैसी हैं तो। और किशन का देखो, इट इज़ एन अननोन कॉमोडिटी, मतलब आपने उन्हें ज़्यादा इस फॉर्मेट में खेलते देखा नहीं है, तो एक रिस्की पिक तो रहेंगे आपके लिए अगर आपको डिफरेंशियल कोई पिक चाहिए। देखो टेस्ट मैच में जब आप कीपर के साथ आते हो तो व्हाट यू हैव टू थिंक इज कीपर में वो एक एडवांटेज हमेशा रहेगा ओवर अ बैटर कि वो आपको कैचेस से पॉइंट्स दे सकता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज़्यादा रन नहीं बनेंगे या आप किसी बैटर के साथ इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको लगता है कि विकेट्स अगर बहुत जाएंगे तो फिर कीपर आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हर इनिंग में कम से कम 2-3 कैच तो मिल जाने चाहिए, तो आपको 20-30 पॉइंट तो सिर्फ कीपिंग से आ जाने चाहिए। और अगर स्पिन भी हो रहा है तो आप होप करोगे कि किशन अपने चांसेस ले लें, बेस्ट जैसा ना करें, तो स्टंपिंग वम्पिंग के भी चांसेस कैचेस और पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है इस गेम में क्योंकि कंडीशन अननोन है और ऑर्डर भी अननोन है इंडिया के लिए, तो
जो भी रोटेशंस होंगे मुझे लगता है बैटिंग सेक्शन से होंगी, क्योंकि बॉलिंग आई एम श्योर मोस्ट टीम्स की सिमिलर होगी टीम्स की। यस एब्सोल्युटली। एंड जैसे निखिल भाई ने कहा टू की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, पहली चीज है कि कीपिंग से आपको ये पॉइंट्स लाके देंगे, दूसरी चीज ये है कि टेस्ट मैचेस में हमें ये बात भली बात ही पता है कि बॉलर्स के जो पॉइंट्स है वो थोड़े से कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉइंटर्स दैट दे गेट। तो अगर आप अनश्योर हो ऑन द कंडीशंस और ऑन क्या लगता है आपको अबाउट इट, हमें ये बात तो बिल्कुल पता है कि जब स्पिनर्स गेम में आएंगे तब भी कीपर गेम में रहेगा, जब पेसर्स गेम में आएंगे विद पेस एंड माउंट्स तब भी कीपर गेम में रहेगा। सो इट्स सॉर्ट ऑफ सेफ हैवन फॉर यू टू गो टूवर्ड्स अगर आप श्योर नहीं हो टूवर्ड्स द कंडीशंस। बैटिंग की बात करें तो करेंटली वी हैव गॉन विद कोहली, गिल एंड ब्रैथवेट, आई थिंक सबसे सेफ चॉइसेस यही है। उसके अलावा आई थिंक यू हैव रहाने हु इज अ डिसेंट चॉइस स्पेशली ऑन फॉरेन सॉइल, बट ये वो टाइप का पिच हो सकता है दैट एज यू गो ऑन इट कैन गेट स्लोअर एंड इट कैन हेल्प टर्न, एंड वो सिनेरियो में रहाने वुड नॉट बी द बेस्ट चॉइस। वी पिक रहाने इन फॉरेन कंडीशंस जब हमें पता है कि पेस एंड बाउंस होगी एंड दैट्स वेयर ही विल वर्क। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड बीइंग 50-50 अराउंड हिम व्हाइल रोहित इज प्लेइंग फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इसके पहले नहीं खेले वो बात याद रखिएगा, सेम फॉर यशस्वी। इनफैक्ट यशस्वी इज लाइकली टू प्ले, सो या दैट्स सम स्पेकुलेशन, बट या ही इज लाइकली टू प्ले एट वन डाउन जो भी हमने सुना है अब तक। हाँ बिल्कुल, आई थिंक रोहित ने डेब्यू डेफिनेटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था, पर ये सेट के सामने इन दिस अगर जब आप कंडीशंस हाँ इन दिस कंडीशंस इट विल बी अ डिफरेंट बैटल, आप उन्हें ले भी सकते हो। आई थिंक गिल, विराट और रोहित में से यू विल प्रोबब्ली पिक टू इन टर्म्स ऑफ हु यू आर मोर कॉन्फिडेंट विद। अगर आपको लगता है कि कंडीशंस ऐसी हैं कि नए बॉल से विकेट्स जाएंगे, तो मे बी देन यू विल वांट टू टेक कोहली एंड रहाणे इन दैट सेंस, कि फिर मिडिल ऑर्डर को आप पिक कर रहे हो ये सोच के कि भाई वहां से रन बनेंगे। तो अगेन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रोटेशन सभी लोग बैटिंग टीम में बैटिंग सेक्शन में ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। देखो ब्रैथवेट बहुत स्लो खेलता है, पर अगर वो सेट हो गया तो वो अच्छा 50-60 का नॉक खेल के जाएगा और भाई साहब फ्री में ऑफ स्पिन डाल से और इंडिया का ऑफ स्पिन प्यार आपको पता ही है। इसके अलावा आपके पास चंद्रपॉल है, जो अगेन सिमिलर मोल्ड है, ही वॉन्ट्स लाइक्स टू टेक हिज टाइम, और आपको पता है इंडिया के सामने जो पहला टेस्ट खेलता है उनके लिए भी इंडिया को बहुत प्यार है। तो ये सारे आपके लिए रोटेशंस हैं जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट इसमें ट्राई कर सकते हो। एक जो ग्रैंडिंग ऑप्शन है मेरा जो डेब्यू करने वाला है, उसके बारे में अपन आगे बात करें। यस फेयर इनफ। एंड हमने चंद्रपॉल की बात करी लिया, तो याद रखिएगा कि जो डोमिनिका में टेस्ट मैच हुआ था लास्ट टाइम, वहां पे पापा चंद्रपॉल हिट 100 एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन दैट गेम, सो मे बी सम स्टार्स अलाइनिंग देयर फॉर हिम। ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पे है रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर एंड रवि अश्विन, ऑल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस, होपफुली एज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर द इंडियन मैनेजमेंट टू पिक अश्विन एज वी हैव। एंड मेरे लिए तो अभी भी वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बने रहेंगे इफ ही प्लेज। सर एनी थॉट्स ऑन कॉर्नवॉल, क्या सिनेरियो में पिक करोगे? देखो यहाँ पे काफी देयर इज अ वेरी लेजिट चांस कि इंडिया में नॉट प्ले अश्विन, उनका कुछ भरोसा नहीं, तो एज लॉन्ग एज लॉजिक है उसमें आई थिंक इट इज फेयर, क्योंकि इंडिया का बोलिंग अटैक थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, तो सिर्फ सिराज और जडेजा पे आप कैसे ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, दैट इज समथिंग फॉर द मैनेजमेंट टू थिंक। तो अश्विन अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली उनको पिक तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैल्यू है आपके लिए वहाँ पे। कॉर्नवेल अगर अश्विन नहीं खेलते तो देन पिकिंग कॉर्नवेल बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि वो स्पिन से इम्पैक्ट तो डालेंगे, बैटिंग से भी एक सेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे इंडिया भूल जाए कि भाई इसको कैसे बॉलिंग करना है, और जैसे इंडिया ट्रैविस हेड को भूल गए थे शॉर्ट बॉल डालना, तो वहाँ से फिर आपको रिटर्न्स। अब यहाँ पे मैं उनसे 100-150 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर यहाँ से अगर कोई स्पिनर आपको 3 विकेट और 40-50 रन देके जा रहा है, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टे इन द गेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो कॉर्नवेल आपके लिए वैसे ऑप्शन हो जाते हैं, और अगर कॉर्नवेल वो नहीं कर रहे तो रेमंड रिफर इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ मोल्ड बट विद द पेस, तो उनकी बॉलिंग पेस एंड से आपको लग रहा है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगा, तो फिर आप रिफर के साथ जा सकते हो। कॉर्नवेल को इवेंचुअली शायद मैं अपने टीम में फिट कर लूँ, अगेन डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, अगर लगता है कि स्पिन होगा टुवर्ड्स द लेटर ऑफ, तो कॉर्नवेल कुड बी वेरी हैंडी, क्योंकि इंडिया के पास लेफ्टीज काफी होंगे अभी। और राइट भी आउट कर ही लेते एंड सम डेब्यूटेंट्स देयर। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे हम गए हैं विद ऑल द पेसर्स इन सिराज, अल्जारी जोसेफ, कुमार रोच एंड ठाकुर। ऑब्वियसली सिराज, जोसेफ, रोच अप फ्रंट कुछ भी मूवमेंट रहा, हेल्प रहा, तो आपको लेकर देंगे वो, while Shardul Thakur later on with his change-ups and साथ साथ में some batting value will also be present with him.
बिल्कुल, स्टोक्स के अच्छे परफॉर्मेंस आ गए तो लॉर्ड बोलेंगे कि भाई टाइम आ गया है बताने का कि कौन किधर कैसा कितना अच्छा है. बट अगेन सी, यू कांट फॉल्ट हिम फॉर एफर्ट. इंग्लैंड में भी जब मैच हुआ था तो ही वॉज द वन विथ गुड कंट्रोल. तो वो इट्स अ गुड वेलकम, मतलब ज़्यादा हमेशा आप कंट्रोल एसोसिएट नहीं करते, बट ही इज गेटिंग बेटर. और उनको विकेट मिल ही जाती हैं कैसे भी, और रन भी तो वो बना लेते हैं. तो वहाँ से आप देखें तो अगेन, क्योंकि कंडीशन थोड़े अननोन हैं और हमें ऑर्डर नहीं पता, तो इट मेक्स मोर सेंस टू टेक प्लेयर्स जो आपको दो डिपार्टमेंट में रिटर्न दे. तो अभी के लिए तो दीज फोर फील वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑप्शंस रहेंगे आपके पास गैब्रियल एंड ऑफकोर्स जयदेव उनादकट खेलते हैं तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टू ट्राई. यस, फेयर इनफ. एंड मैचअप्स की बात करें तो आई थिंक टू इम्पॉर्टेंट मैचअप्स, बट द प्रॉब्लम इज विद ऑल दीज मैचअप्स कि ऐसा नहीं कि दे हैव अ सेट ऑफ बोलर्स अलोंग द साइड हु कैन कॉम्प्लीमेंट देम टू मेक इट वर्क, एंड हेंस हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे उस पर. बट ऑब्वियसली कोहली हैज गॉट आउट टू होल्डर ट्वाइस इन टेस्ट, एंड शैनन गैब्रियल हैज ऑल्सो हैड सम वुड ओवर आने, सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर उन्हें स्टार्टिंग स्पॉट मिल जाता है तो क्या वो इम्पैक्ट बना पाते हैं. बट नॉट टू मच फोकस ऑन मैचअप्स इन दिस गेम क्योंकि कंडीशन अननोन है, हमें करेंटली पता नहीं कि क्या वो उन मैचअप्स को असिस्ट करेंगे, इलेवेंस क्या होंगी, एंड हेंस आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टिक टू द बेसिक्स कि ये है हमारे बेस्ट 11 प्लेयर्स. उसके अलावा एक आध चेंज आप कर सकते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर लास्ट मिनट इन्फॉर्मेशन यू गेट अबाउट द पिच. बिल्कुल. तो जैसे हमने देखो न्यू बॉल की मूवमेंट की भी बात करी, ओपनर भी हमने दो ओपनर लिए हैं इस टीम में, तो ऑल ऑफ इट विल चेंज मैसिवली. अगर पिच रिपोर्ट वैसा है कि भाई ग्रास है, मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो फिर यू विल हैव टू ड्रॉप देम एंड टेक मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस इन दैट वेस इन दैट केस कि भाई आपने ब्लैकवुड को ले लिया अगर वो खेल रहा है तो वैसे फिर देन यू कैन चेंज योर विजुअलाइजेशन अराउंड इट. Yes, fair enough. So that's our team. Now over to the You heard me there? नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ उधर. जस्ट I टेल said tell me your grand league picks. I have a feeling the first one is going to be the same. तो जायसवाल, इफ इट इज ट्रू तो Yeah. यार, क्योंकि देखो इम्पैक्ट तो वो डाल ही रहे हैं. 80+ का एवरेज है फर्स्ट क्लास में, भले सैंपल साइज आपको इतना बड़ा नहीं है, 20 और 26 और मैचेस, बट यू वांट दैट चेंज. मे बी वो टाइम आ गया है. तो अगर आपको लगता है कि कंडीशंस वैसी हैं और इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो जयसवाल गेट्स द बेस्ट टाइम टू बैट एंड मेक एन इम्पैक्ट. यहाँ पे हरी नहीं है तो जयसवाल हैज इनफ टाइम इन द वर्ल्ड टू मेक अ गुड स्टेटमेंट एंड सीमेंट हिज प्लेस इन द 11 फॉर अ लॉन्ग रन. तो जयसवाल डेफिनेटली एक ऑप्शन आपके लिए ट्राई करने के लिए. बॉलिंग साइड से तो हमने बात करी थी पहले कि जयदेव उनादकट अगर खेलते हैं तो ही इज बीन अ वर्क हॉर्स. शमी नहीं है तो इंडिया का प्रॉब्लम कंट्रोल रहा है. दे आर स्टिल मिसिंग ईशांत शर्मा जो शायद कॉमेंट्री करने वाले, तो जयदेव उनादकट से वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंट्रोल लाए वो एक एंड पे एक लाइन से बॉलिंग बॉलिंग करे, जो मुकेश कुमार भी कर सकते हैं. तो वेरी कीन टू सी क्या कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया जाती है, क्योंकि देर इज नवदीप सैनी सैनी ऑल्सो जो पिछली बार जब साउथ अफ्रीका खेले थे तो हिट दैट एक बॉलर मिसिंग था. तो सैनी कैन बी दैट प्लेयर फॉर यू. तो विकल्प बहुत है जैसे हमने कहा, आपको ये बस कंडीशन के हिसाब से कि कौन आपको लगता है अच्छा करेगा. तो इंडिया से ये सारे विकल्प हो गए. वेस्ट इंडीज से हमने बात करी, कॉनवेल आई डेफिनेटली थिंक इज अ गुड ग्रैंड लीग ऑप्शन फॉर पीपल टू ट्राई. कैप्टन नहीं करना तो वाइस कैप्टन तो डेफिनेटली कर सकते हो आप. देर इज गैब्रियल, देर इज टैग नारायण चंद्रपॉल इज वेल फॉर यू टू ट्राई. तो ट्राई ऐसे करो जो ज्यादा टाइम गेम में रहे, एंड इफ इट्स एन ऑलराउंडर देन ऑफकोर्स वो हमारा बायस जिंदगी भर रहेगा. Yes, some very interesting and fair calls. मेरे calls भी काफी straightforward है from the keeping section किशन, if he plays obviously. And like I mentioned, I have a slight bias towards keepers in test matches क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको value ला के दे सकते हैं. Plus, he is going to come at such a position जहाँ बहुत unlikely है कि he will have to face any movement with a new ball or anything of that sort. Plus, वो spin ठीक ठाक खेल ही लेते हैं. So, some boundary bonus points, some keeping points. So, किशन from that end. And from the West Indies side of things, Jermaine Blackwood. Now, one thing that we have seen with India, ki when we are counter-attacked, that's when we are rattled. And the counter-attacking option जो है West Indies के पास, वो है Jermaine Blackwood में. तो अगर वो खेलते हैं, तो वो एक choice बन जाएंगे. And उसके अलावा, one thing that I'm calling out already before the game, before the toss, before the 11s, कि अगर अश्विन खेलेंगे, तो वो मेरे small league team के भी captain रहेंगे. हाँ ऑब्वियसली, मतलब फिर तो आप जडेजा अश्विन को डेफिनेटली बैक कर सकते हो. मे बी शायद बैटिंग वैल्यू जडेजा से आपको ज़्यादा मिलती है इन इन द रिसेंट टाइम्स,
और बोलिंग में एक्चुअली अगर आप देखें तो काफी दफा ओवरसीज में इंडिया हैवंट क्वाइट यूज जडेजा द बोलर एज मच एंड एज वेल दे शुड, तो वहां से फिर आपको रिटर्न मिल सकता है अश्विन से, भले बैटिंग से तो ना मिले पर डेफिनेटली वर्थ ऑप्शन टू ट्राई, और सिराज को भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट वही है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर इंडिया ज्यादा सिराज को यूज करके बर्न आउट ना कर ले, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अभी के लिए. Yes, fair enough. तो ये रही हमारी आज की टीम डिस्कशन, एंड बिफोर वी गो वीड लाइक यू टू प्रिडिक्ट इन द कमेंट्स, जल्दी से बता दो आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे गेम में विराट कोहली, फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स दोनों मिला के आप बता सकते हो, एंड साथ साथ में एक फ्री एंट्री कॉन्टेस्ट लाइव होगा ऑन द माई मास्टर 11 ऐप, लिंक है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो जरूर साइन अप करेगा, एंड वी विल सी यू ऑल वेरी सून फॉर अनदर प्रीव्यू. थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन, एंड लाइक ऑलवेज प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस गेम might be habit forming or financially risky, to responsibly khelega, and jaldi milenge ek aur preview ke liye. Thank you so much Nikhil bhai, and please visit the channel at least once in 10 days. Theek hai sir, done. Jai Mata di, see you soon. See you soon.